हेलो दोस्तों जैसा कि हम लोग पिछले तीन वीडियोज में लाइट के एम को डिस्कस किए थे उसी तरह आज आखिरी वीडियो में भी कुछ बचे हुए एम को डिस्कस करेंगे दोस्तों ये मेरे चैनल का सोशल मीडिया पेज है जहां जाकर आप मेरे चैनल और पेज को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इज विच कलर इज़ द कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ येलो क्वेश्चन कहता है कि येलो का कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या है तो सबसे पहले देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता क्या है तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर वह कलर है जो दो प्राइमरी कलर को मिलाकर बनाया जाता है एक प्राइमरी कलर आपका येलो है तो कहता है कि वह दूसरा कलर क्या होगा जो जिससे मिलाने के बाद एक कॉम्प्लीमेंट्री कलर प्रोड्यूस हो तो वह दूसरा कलर होगा ब्लू सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए ब्लू इज़ द कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ येलो नेक्स्ट पॉइंट सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन एबिलिटी टू डिस्टिंग टू क्लोजली प्लेस्ड ऑब्जेक्ट्स ईच कता है कि वो कौन सी एबिलिटी है जिसके द्वारा दो नज़दीक रखे हुए ऑब्जेक्ट को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं एक दूसरे से अलग करते हैं वो कौन सी एबिलिटी है फोर ऑप्शन गिवन है ऑप्शन ए रिजॉल्विंग पावर ऑप्शन बी वीडियो पावर ऑप्शन सी डिस्टिंग पावर ऑप्शन डी मैग्नीफाइंग पावर वह कौन सी पावर है सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए रिजॉल्विंग पावर रिजॉल्विंग पावर वह पावर है वह एबिलिटी है जिसके द्वारा दो नज़दीक रखे हुए ऑब्जेक्ट को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं एक दूसरे से अलग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमिना इज इन्वॉल्व इन क्लाइडोस्कोप कहता है कि क्लाइडोस्कोप में कौन सी फिनोमिना इन्वॉल्व होती है तो सबसे पहले देखते हैं कि क्लाइडोस्कोप होता क्या है तो क्लाइडोस्कोप एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें दो या दो से अधिक टिल्टेड रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है जो रिफ्लेक्शन के थ्रू रेगुलर सिमेट्रिकल पैटर्न का इमेज फॉर्म करता है तो यहाँ पे इमेज का जो फॉर्मेशन होता है वो रिफ्लेक्शन के थ्रू होता है इसका मतलब है कि जो क्लाइटोस्कोप है वो रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल पे वर्क करेगा सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी रिफ्लेक्शन नेक्स्ट क्वेश्चन इन अ मैग्नीफाइंग ग्लास इन द ब्लैंक्स लेंस इज यूज कहता है मैग्नीफाइंग ग्लास में कौन सी लेंस यूज होती है ऑप्शन ए कॉन्वेक्स ऑप्शन बी कॉन्केव सी प्लेनो कॉन्केव एंड डी प्लेनो कॉन्वेक्स कौन सी लेंस यूज होती है देखते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस को ही मैग्नीफाइंग ग्लास बोला जाता है क्योंकि ये मैग्निफाइड इमेज बनाता है सो द राइट आंसर इज कॉन्वेक्स तो फील करने वाले जगह पे क्या आएगा कॉन्वेक्स लेंस इन ए मैग्नीफाइंग ग्लास कॉन्वेक्स लेंस इज यूज नेक्स्ट क्वेश्चन वेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन टू पैरल प्लेन मिरर्स देन वाट इज द नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड कहता है कि दो पैरेलल प्लेन मिरर के बीच में कोई एक ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो कितने इमेज का फॉर्मेशन होगा ऑप्शन ए एक ऑप्शन बी दो ऑप्शन सी चार एंड ऑप्शन डी इनफाइनाइट कितने इमेज का फॉर्मेशन होगा जब दो प्लेन पैरल पैरल प्लेन मिरर के बीच में कोई एक ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी इन्फिनीटी अगर दो प्लेन मिरर के बीच में एक ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेज का फॉर्मेशन होता है नेक्स्ट क्वेश्चन अ इन द ब्लैंक्स यहाँ पे हमें फिल करना है पिक करना है फोर ऑप्शन में से कि यहाँ पे क्या आएगा तो क्वेश्चन कहता है कि अ स्प्लिट्स सन लाइट इन टू सेवन कलर्स कहता है कि वह क्या चीज़ है जो सन लाइट को सेवन कलर में बांटती है या स्प्लिट करती है ऑप्शन ए कॉन्केव लेंस ऑप्शन बी कॉन्वेक्स लेंस ऑप्शन सी प्रिज्म ऑप्शन डी कॉन्केव मिरर। तो पिछली वीडियो में जब हम डिस्पर्सन की बात कर रहे थे तो वहाँ पे मैंने बताया था कि एक प्रिज्म होता है उस प्रिज्म के एक सरफेस पे जब सनलाइट स्ट्राइक करती है या इंसिडेंट करती है तो अपने पास से डेविएट होती है और डेविएशन के साथ साथ वो सेवन डिफरेंट डिफरेंट कलर में स्प्लिट होती है उस पूरे प्रोसेस को डिसपर्सन कहा था और जो डिवाइस वहाँ पे यूज कर रहे थे फ्रिज में जिस जो क्या कहते हैं स्प्लिट करने के लिए लाइट को स्प्लिट करता था वो कौन सा वो उससे हम क्या बोलते थे फ्रीज में सो द राइट आंसर इज फ्रिज में नेक्स्ट क्वेश्चन विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी लार्ज इमेज ऑफ टीथ कहता है कि डेंटिस्ट के द्वारा तीथ को देखने के लिए कौन सा मिरर का यूज किया जाता है जिसमें लार्ज साइज की तीर्थ दिखाई दे कौन सा मिरर यूज करता है डेंटिस्ट कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर प्लेन मिरर या सिलेंड्रिकल मिरर तो जो डेंटिस्ट यूज करते हैं वो यूज़ करते हैं कॉनकेव मिरर ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लैक्शन कहता है लॉ लॉ ऑफ रिफ्लैक्शन के अनुसार क्या होगा फोर ऑप्शन गिवन है एंगल ऑफ़ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ़ रिफ्लेक्शन क्या ऐसा होता है बिल्कुल नहीं होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये होता है तो ये पहला गलत हो गया एंगल ऑफ़ इंसिडेंस इज स्मॉलर देन ये भी गलत एंगल ऑफ़ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ़ रिफ्लेक्शन बिल्कुल सही ऑप्शन सी डी कहता है बोथ एंगल और ऑलवेज अनइक्वल ये भी गलत होगा सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन हु इन्वेंटेड फर्स्ट वर्किंग लेजर कहता है फर्स्ट वर्किंग लेजर किसने इन्वेंट किया था ऑप्शन ए एच टेलर बी डब्ल्यू के रोनडजेन सी टी एच मैम डी फ्रेड मेडिसन सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी टी एच मैमैन नेक्स्ट क्वेश्चन रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए स्मूथ सरफेस लाइक डाइट ऑफ ए मीर इज कॉल्ड कहता है कि मीर की तरह अगर स्मूथ सरफेस है और वहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है तो जो रिफ्लेक्शन होगा वो किस नेचर का होगा रेगुलर होगा इरेगुलर होगा डिफ्यूज होगा या फ्यूज होगा कौन सा होगा सो द राइट आंसर इज रेगुलर जब प्लेन स्मूथ सरफेस से प्लेन स्मूथ सरफेस से जब लाइट रिफ्लेक्ट करती है तो वहाँ का जो पैटर्न बनता है वो रेगुलर होता है जिसमें सारे जो आपका रिफ्लेक्टेड होते हैं वो पैरेलल होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाई डज अ ब्लैक बोर्ड अपीयर्स ब्लैक इन कलर कहता है कि ब्लैक बोर्ड ब्लैक कलर में क्यों दिखाई देता है ऑप्शन ए इट रिफ्लेक्ट्स ब्लैक कलर इट एब्जॉर्ब ब्लैक कलर इट रिफ्लेक्ट्स ऑल कलर इट एब्जॉर्ब ऑल कलर किस कारण से ब्लैक दिखाई देता है सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी इट एब्जॉर्ब ऑल कलर्स नेक्स्ट क्वेश्चन द वेंडिंग ऑफ लाइट वेन इट पासिस अराउंड ए कॉर्नर और ए स्लीट इज ड्यू टू कता है कि जब स्लीट से लाइट पास करती है तो वह बेंड होती है किस कारण से बेंड होती है रिफ्लेक्शन के कारण रिफ्रैक्शन के कारण डिफ्रैक्शन के कारण या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण तो जो लाइट बेंड होती है जब वो स्लीट से पास करती है वो होती है ड्यू टू डिफ्रैक्शन सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन वाट इज़ द रीजन फॉर फॉर्मेशन ऑफ मिराज इन डिसर्ट कथा डिजर्ट में मिराज का फॉर्मेशन के लिए क्या रीजन है किसके कारण मिराज का फॉर्मेशन होता है ऑप्शन ए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट सी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट डी बोथ रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। किसके कारण मिराज का फॉर्मेशन होता है तो मिराज जो होता है वो ऑप्टिकल इल्यूजन होता है एक्चुअल वहाँ पे देखने में तो ऐसा लगता है लगता है कि कोई एक जगह पे बहुत ज़्यादा लाइटेड लाइट का फॉर्मेशन होता है तो ऐसा प्रतीक होता है कि वहाँ पे हाईली लाइटेड लाइट जलाया गया है जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है वहाँ पे इंटरनल रिफ्लेक्शन प्रोसेस होते हैं रिफ्रैक्शन प्रोसेस होते हैं जिसके कारण वहाँ पे भ्रमित किया जाता है यहाँ पे क्या कहते हैं वहाँ पे भ्रमित किया जाता है तो जो ए, मिराज का फॉर्मेशन होता है जिसे हम भ्रमण बोलते हैं इल्यूजन बोलते हैं वो होता है ड्यू टू रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट क्वेश्चन स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन कहता है स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम होता है वैक्यूम में सॉलिड में लिक्विड में और गैस में तो जहाँ पर ऑफ्ट्रैक्शन जीरो हो या मिनिमम हो वहाँ पे लाइट की स्पीड क्या होगी मैक्सिमम होगी तो ऑफ्ट्रैक्शन किस में मिनिमम होती है जीरो होती है वैक्यूम में सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन कॉन्वेक्स मिरर इज जनरली यूज इन कहता है कि कॉन्वेक्स मिरर जनरली कहाँ यूज किया जाता है ऑप्शन ए सोलर कुकर ऑप्शन बी ऑफ थेलमोस्कोप ऑप्शन सी रिफ्लेक्टर ऑफ हेडलाइट डी रियर व्यू मिरर कहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर यूज किया जाता है तो देखते हैं वन बाई वन सोलर कुकर में क्या यूज होता है तो सोलर कुकर में कॉन्केव मिरर यूज होता है ये भी ऑप्शन गलत बी जो है आपका ऑप्थल ऑपथेलमोस्कोप इसमें आपका एस्फेरिक एंड कंडेंसिंग लेंस यूज होता है रिफ्लेक्टर फॉर हेडलाइट में कॉन्केव मिरर यूज होता है रियर व्यू मिरर के लिए अगर हम बात करते हैं यहां पे मिरर मिरर यूज होता है सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट क्वेश्चन इफ ऑब्जेक्ट्स अपियर इन लार्ज एंड इनवर्टेड इन ए रियर व्यू मिरर, देन विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज कहता है कि अगर रियर व्यू मिरर में जो ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है वह बड़ा साइज में है और इन्वर्टेड है तो रियर व्यू मिरर में कौन सा मिरर यूज किया गया है ठीक है कॉनकेव मिरर यूज किया गया है कॉन्वेक्स मिरर यूज किया गया सिलेंड्रिकल है या फिर प्लेन है वो कौन सा मिरर यूज किया गया है जिसमें ऑब्जेक्ट का जो तो साइज़ है वो बड़ा है और वो इन्वर्टेड है तो देखते हैं कि वो कौन सा मिरर है जिसमें इन जो ऑब्जेक्ट का उसका इमेज इन होता है और इन्वर्टेड बनता है तो कौन सा मिरर होगा वो होगा आपका कॉनकेव मिरर सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन वाई डज वाटर टैंक अपियर सेलोवर वेन व्यूड फ्रॉम द टॉप कहता है कि वाटर टैंक के ऊपर से देखने पर उसका जो तल है वो उभरा हुआ दिखाई देता है किस कारण से दिखाई देता है ड्यू टू रिफ्लेक्शन ड्यू टू रिफ्रैक्शन ड्यू टू डिफ्रैक्शन एंड डी ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। किसके कारण दिखाई देता है वो सो द राइट आंसर इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन के कारण दिखाई देता है नेक्स्ट क्वेश्चन विच कलर इज फॉर्म्ड वेन रेड एंड ग्रीन आर मिक्स कहता है कि जब रेड और ग्रीन को मिलाएंगे तो कौन सा कलर बनेगा कौन सा कलर बनेगा लाइट ब्लू बनेगा येलो बनेगा व्हाइट बनेगा या ग्रे बनेगा कौन सा कलर बनेगा सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी येलो वहाँ पे कौन सा कलर बनेगा येलो बनेगा नेक्स्ट पॉइंट मीन्स नेक्स्ट क्वेश्चन विच फिनोमिना शोज द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट कहता है कि कौन सी फिनोमिना है जो लाइट की पार्टिकल नेचर को शो करता है डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या पोलराइजेशन वो कौन सा फिनोमिना है जो लाइट के पार्टिकल नेचर को शो करता है वो फिनोमिना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सो द राइट आंसर इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन विच कलर इज फॉर्म्ड वेन ब्लू एंड ग्रीन आर मिक्स कहता है वो कौन सा कलर बनेगा जब ब्लू और ग्रीन को मिलाया जाएगा ऑप्शन ए सियान ऑप्शन बी ब्राउन सी ब्लैक डी वायलट कौन सा बनेगा तो बनेगा आपका सियान ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्टिकल फाइबर वर्क ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ लाइट कहता है कि ऑप्टिकल फाइबर कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करता है ऑप्शन ए रिफ्लेक्शन, बी रिफ्रैक्शन सी डिफ्रेक्शन एंड डी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो हमेशा याद रखें कि जो ऑप्टिकल फाइबर है वो वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी नेक्स्ट क्वेश्चन वेन लाइट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर दिस फिना ऑफ चेंज इन इट्स डायरेक्शन इज कॉल्ड कहता है वो कौन सा फिनोमिना है जिसमें लाइट जो वन एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास करती है और वो अपने डायरेक्शन को चेंज करती है वो कौन सा फिनोमिना है रिफ्रैक्शन है डिफ्रैक्शन है प्रोपोगेशन है, है या फिर नो ऑप्शन इज कर यानी कि कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है कौन सा फिनोमिना है जिसमें लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपना डायरेक्शन को चेंज करती है वो फिनिना को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन द साइड मिरर ऑफ व्हीकल आर ऑफ विच टाइप ऑफ मिरर? कहता है कि साइड व्हीकल के साइड मिरर में किस टाइप का मिरर यूज किया जाता है ए कॉनवेक्स बी कॉनकेव सी प्लेन एंड डी इन्वर्टेड साइड मिरर में कौन सा मिरर यूज किया जाता है तो आपका कॉन्वेक्स मिरर यूज किया जाता है जो ऑब्जेक्ट का इमेज छोटा बनाता है और सीधा बनाता है नेक्स्ट क्वेश्चन एन इमेज फॉर्म्ड बाई ए प्लेन मिरर डैट कैन नॉट बी ऑफटेंड ऑन ए स्क्रीन इज कॉल्ड कहता है कि वो किस टाइप का इमेज होगा जो प्लेन मिरर के द्वारा बनाया गया है लेकिन उसे हम स्क्रीन पे प्राप्त नहीं कर सकते हैं वर्चुअल इमेज रियल इमेज इन्वर्टेड इमेज या इरेक्ट इमेज वो कौन सा इमेज है तो जिसे हम स्क्रीन पे नहीं ऑप्टेंड कर सकते हैं उसे हम कहते हैं वर्चुअल इमेज सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन द इम्प्रेशन ऑफ ए इमेज परसिस्ट ऑन द रेटिना फॉर अबाउट इन द ब्लैंक्स ऑफ अ सेकेंड कहता है किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज जो रेटिना पे बनता है वो कितने टाइम तक रेटिना पे परसिस्ट करता है मतलब बना रहता है एक वटा दस सेकेंड एक वटा आठ सेकेंड एक वटा सोलह सेकेंड या एक वटा पाँच सेकेंड तो वो जो इमेज का जो टाइम है जो रेटिना पे बना रहता है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो होता है एक बटा सोलह सेकेंड तक सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन एन इमेज फॉर्मड बाय ए कॉन्केव मिरर ऑन ए स्क्रीन इज कॉल्ड उसे हम क्या वो किस टाइप का इमेज होगा वर्चुअल इमेज होगा रियल इमेज होगा इन्वर्टेड इमेज होगा या फिर इरेक्ट इमेज होगा तो होगा रियल इमेज क्योंकि रियल इमेज को ही हम स्क्रीन पे ऑप्टेंड कर सकते हैं इमेजनरी इमेज को हम लोग स्क्रीन पे ऑप्टेंड नहीं कर सकते हैं सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन द इंसिडेंट रे कॉमा द फिल द ब्लैंक्स एट द पॉइंट ऑफ इंसीडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन ये जो क्वेश्चन है वो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का ठीक है तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग हमें ये अकॉर्डिंग ऑप्शन से हमें चूज करना है और ये फिल करना है कि फिल इन द ब्लैंक्स के जगह पे क्या आएगा तो कहता है कि द इंसीडेंट रे क्या आना चाहिए नॉर्मल कहता है नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ द इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन द रिफ्लेक्शन फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर इज ठीक है कहता है कि प्लेन मिरर के द्वारा जो रिफ्लेक्शन होता है वो कैसा होगा वर्टिकल इन्वर्जन होगा रियल इमेज का फॉर्मेशन होगा लेटरल इन्वर्जन होगा एंड इन इमेज होगा सो द प्लेन मिरर से जो रिफ्लेक्शन होता है वो होता है लेटरल इन्वर्जन का सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव मिरर्स आर एग्जाम्पल ऑफ कहता है कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर किसका एग्जांपल एग्जाम्पल है प्लेन मिरर का स्पेरिकल मिरर का इन्वर्टेड मिरर का या फिर इरेक्ट मिरर का तो इसके सेप से हम बता सकते हैं कि ये किस टाइप का एग्जाम्पल है तो कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर का जो सेप होता है वो सर्कुलर नेचर का होता है इसका मतलब है कि वो स्फेरिकल मिरर का पार्ट होगा ठीक है तो सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी स्फेरिकल नेक्स्ट क्वेश्चन द एंगल बिटवीन द इन द ब्लैंक्स एंड द इंसिडेंट रे इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके किसके बीच होता है ठीक है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके किसके बीच होगा तो इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच होगा सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी नॉर्मल नेक्स्ट ओके दीज आर द आंसर्स ऑफ ऑल द एव डिस्कस्ड क्वेश्चन सो डेट्स ऑल अबाउट द टुडे वीडियो लाइट पार्ट फोर दिस इज द लास्ट वीडियो ऑफ लाइट प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक द वीडियो एंड शेयर विद दिस with your friends. Thank you. Thanks for watching.